पूरे देश में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते लागू लॉकडाउन में सरकार द्वारा घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करने की अपील की गई है, लिहाजा प्रशासन ने मुरादाबाद जनपद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान में आज सुबह से ही पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन के अलावा धर्मगुरुओं ने भी लोगों से घरों में रहने और परिवार के साथ ईद मनाने की अपील की है। ईद के मौके पर आज मुरादाबाद जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारी सुबह से ही अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध है, लिहाजा प्रशासन ने सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुरादाबाद जनपद के गलशहीद थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान में आज सुबह से ही पुलिस और पैरामिलिट्री जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। धर्मगुरुओं और पुलिस प्रशासन द्वारा ईदगाह मैदान में लोगों को जमाना होने की अपील के बाद मैदान में किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। सीओ कटघर के मुताबिक नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना इस वक्त की जरूरत है ताकि लोग स्वस्थ रहें। लॉकडाउन का पालन करने के लिए और लोगों को एक स्थान पर जमा होने से रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। मुरादाबाद से सरफराज सैफी की रिपोर्ट। सभी नगरवासियों को, सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा बस एक छोटा सा संदेश कि सभी अपने घरों में रहें और अच्छे से अपनी सुरक्षा के साथ, अपने बच्चों के, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के साथ, समाज की सुरक्षा के साथ ईद मनाएं। मैम, क्या कोशिश कर रहे हैं यहां पर? बैन नहीं किया गया है, ये लॉकडाउन के तहत, ताकि कोरोना कोविड-19 के तहत बैन नहीं कह सकते इसे, लेकिन केवल लोग इकट्ठे ना हो, सामूहिक तौर पे कोई भी आयोजन ना हो, उसकी वजह से थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था है। बाकी लॉकडाउन का जैसे पालन किया जाता है उसी तरह की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अलग से। लोगों से अपील की गई है अपने घरों में रहें और बहुत अच्छे से सुख शांति के साथ अपने लोगों के साथ में जाते हो संभव अपने फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे को संदेश प्रेषित करें और अच्छे से स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ समाज में कोई भी आयोजन, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। कुछ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज डेली भी रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा ईद के मद्देनज़र थोड़ा सा इंतज़ाम ज़्यादा है, लेकिन बाकी लॉकडाउन के पालन के हिसाब से प्रशासन ने जो व्यवस्था की।